नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा के ब्लॉक सी में, और जस्ट यहां के बगल में आप देख सकते हैं ये ब्लॉक ए है और इसके जस्ट बगल में जो है वो ब्लॉक सी है। हम यहां पर कुछ लोगों से बात करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर ठंडी हवा में यहां पर छांव में बैठ करके जो है वो कुछ गेम खेल रहे हैं। आइए इनसे हम लोग अंबेडकर नगर विधानसभा के मुद्दों पर इनसे हम लोग कुछ बातें करेंगे। चाचा, आप अपना नाम बता दो। आप यहीं से हो? ओम प्रकाश, मैं यहीं से हूँ। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप अंबेडकर नगर में विकास तो होनी राजी। पार्क की लाइट अंधेरी है, रात को कुछ ही बात हो जाए, कोई किसी को जिम्मा नहीं। रोड नहीं बन रहे, सीवर ओवरफ्लो होते हैं। कितनी बार बुलाओ, चार पाँच दो कंप्लीट करो जब वो आते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन फिर ओवर फ्लो हो जाता है। इन सब चीज़ों को लेके आप वर्तमान विधायक से नहीं मिले हैं यहाँ के लोग? विधायक मिलते गए, हमें मिलने का विधायक की जिम्मेवारी है भाई, अपने एरिया में पूछे भाई, किसी को परेशानी तो नहीं है। इलेक्शन होता है जब तो सब कुछ करने के लिए आता है, हम मुझे वोट दो, पंपलेट छपवाते हैं। क्या जीतने के बाद क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि अपने एरिया में देखो मेरा क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, हो रहा कहाँ नहीं हो रहा। आप काम बोल रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, तो वो दोबारा विधायक कैसे बन गए? हम तो देते नहीं, हम बात पार्टी को देंगे नहीं, हम तो वोट। तो अब ऐसा कि जैसे झुग्गी बस्ती मोहल्ले वाले जाते हैं, आम आदमी पार्टी देते हैं, चाहे कैसा भी चुनाव हो जाए, वो ये सोचते भाई हमारा तो ये बस में टिकट फ्री है, बिजली पानी हमारा मीटर वो मिल जाता, छूट मिल जाती है, तो लोग इस बारे में वोट देते हैं भाई। काम की वजह से वोट नहीं है उनके लिए। अच्छा, काम नहीं किया। हाँ, चलिए आप भी थोड़े से अरे बोल दो, सुनता है नहीं कोई। एक मिनट, चाचा जी आप बताओ, यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक द्वारा कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, क्या सही है? तो बताओ क्या हुआ, बताओ कुछ हुआ तो बताओ, कुछ भी हुआ तो बताओ ना। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा तो वो जीत कैसे जा रहे हैं, कौन उन्हें वोट दे रहा है? अरे बेईमानी करके जीत जाते हैं, कोई जीत रहे हैं जीत रहा है, तो बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। बड़ा आरोप ही है और क्या, छोटा आरोप है। बेईमानी से जीत और क्या, जो इतनी वोट पड़ने के बाद अगले की एक सीट नहीं आई हमें, और फ्री फंड उसे अंदर करवा रखा, जबरदस्ती का कोई लेना नहीं देना नहीं। वो काम करना चाहता है, उसे काम नहीं करने देते, और क्या करोगे इससे ज्यादा। वो कभी आधा निकल के बाहर, कभी ईडी लगा देते, कभी सीबीआई लगा देते हैं, दे रखा जबरदस्ती का, उसे पूरी तरह से जबरदस्ती को दराम कर रखा है। चलिए कुछ लोगों से और हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। चाचा आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम रामजी लाल है। अच्छा रामजी लाल जी, कैसा यहाँ पर विकास के नाम पर तो लोग हैं जो काफी खफा हैं यहाँ के वर्तमान विधायक से, क्या कहेंगे, कोई विकास हुआ है यहाँ पे आपके क्षेत्र में? देखो जी, अब मैं यहाँ की तो क्या शिकायत करूँ, मैं इधर रहता नहीं हूँ, मैं कृष्णा पार्क में रहता हूँ। अच्छा बताओ चाचा जी, आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम राजपाल है। अच्छा आप इसी अम्बेडकर नगर? अम्बेडकर नगर। अच्छा क्या अम्बेडकर नगर में विकास के काम हुए हैं? कोई विकास काम नहीं हो रहा है। कोई नहीं हुआ? नहीं, लोग तो कुछ लोगों तो कह रहे, कोई कह रहा है कोई नहीं कह रहा। मैं तो अपने आप को जानता हूँ, जब मैं 60 साल का 59 में कहा था, जब मैं 59 साल का था कि इस साल पेंशन मिलेगी, अभी तक मेरी पेंशन नहीं मिली। मैं बेरोजगार हूँ, ना बीजेपी बनाती है, बीजेपी वाले आते हैं तो कांग्रेस ने वो आप पार्टी रोक रखी है, आप पार्टी वाले कहते हैं बीजेपी ने रोक रखी है, तो हम तो बस यही है, मतलब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, जनता की कोई काम नहीं। हाँ, जनता का कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ, जब काम नहीं हो रहे हैं तो दूसरी बार वो कैसे जीत कर, पता नहीं कैसे जीत जाते हैं, यही पता नहीं लगता, ये भी पता नहीं लगता। नहीं, यही पता नहीं लगता। अच्छा क्या कहेंगे आप आला कमान से, लोग पेंसिल बना दे बस, हमें तो ये मालूम है बस। चलो आप भी कुछ बताओ, यहाँ पे लोग जो है वो काफी खफा हैं, क्या कहेंगे आप यहाँ के वर्तमान भाई? जो खफा है तो वो तो है ही रहेंगे, जब कंप्लेंट के लिए जाएंगे, जब नया काम होगा तो क्या क्या करेगा वो आदमी, अपने घर ही बैठेगा, तो बार बार थोड़ी जाएगा उसके पास, इतना टाइम थोड़ी है, कोई फालतू थोड़ी है, कोई जो अपना काम छोड़ के या सीवर भर रहा है, पानी भर रहा है, नाले का गंदा पानी आ रहा है, तो क्या होगा, यही होगा और क्या होगा। इसकी शिकायत नहीं करते हो आप? करने कह तो रहे हैं, जाते हैं तो कैसे करें, जब आएगा ये भी तो कोई आएगा, जब जाएंगे तो आएंगे ना, मतलब शिकायत करते हैं फिर भी कोई असर नहीं है? नहीं असर नहीं, नहीं बोल तो रहा हूँ, रोड पे इतना गड्ढा हो रहा, पानी भरा हुआ गड्ढों पे, गाड़ियाँ कैसे चलते, पड़ से चलती हैं, कोई कैसे चल रहा, कोई कैसे चल रहा, कल इतना पानी भरा हुआ था रोड पे गड्ढों पे, पब्लिक पानी के बीचों में जा रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, कैसे जा रही है पब्लिक, ऐसे ही तो जा रही है, कल इतना जाम लग रहा था रोडों पे। क्या कहेंगे विधायक को आप यहाँ से? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा भाई, उसे अब बैठा रहे वो बस। कुछ लोग और हैं उनसे भी हम लोग। अच्छा बताओ चाचा, आपके 10 साल में अम्बेडकर नगर में विकास के काम हुए हैं वर्तमान विधायक के द्वारा? कोई काम नहीं हुआ जी, नाले सारे भरे हुए हैं, रोडों पर पानी भरा हुआ है, पानी निकास होता नहीं है, सारे नाले जाम है, और क्या इससे ज्यादा क्या होगा।
मतलब स्थिति दयनीय है, आप ये करो। हाँ स्थिति दयनीय है, नाले रोड सारे फूटे पड़े हैं, रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं। वो तो हमें भी दिख रहा था, आप जिस पार्क में बैठे हो इस पार्क में भी स्थिति इसकी ठीक नहीं है। नहीं, इसकी शिकायत नहीं करते हो आप लोग? नहीं, पार्क तो सही है, क्या है, अब तो बना रहे पार्क मेहनत करते हैं वो। तो बताओ आप, क्या आपके क्षेत्र में विकास हुए हैं 10 सालों में? विकास का विकास तो देख ही नहीं, बता दिया उन्होंने। अच्छा आप भी बता दो, बताया बस, तो विकास आपके सामने, ऐसी बात नहीं कितना विकास हो रहा है, रोड सड़क के सामने ऐसी बात नहीं, सड़क नाली क्या है? वो सब जैसी पहले स्थिति वैसी स्थिति है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, वैसे ही है बस। आप सुधार क्या इस बार जनता जवाब देगी? जवाब क्या है, जवाब तो दे ही रहे हैं, जवाब तो हर बार वोट देना है, वोट दे दो। नहीं नहीं, जनता क्या उन्हें एक बार दूसरे प्रत्याशी को अगर जिताएगी क्या जनता यहाँ से, क्या कहेगा आप इस पे? वोट तो देना ही है। अच्छा बात कर रहे हैं। अच्छा आप ये बता दो कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं, क्या इस बार भी वो जीत करके आएंगे या जनता फिर उन्हें बदल देगी, जिस तरह का आप आरोप लगा रहे हो? काम नहीं, ये तो पब्लिक का आदमी, मैं अकेला तो कह नहीं सकता इस बात को। नहीं आप अभी तो कह रहे हो कि काम नहीं हुए हैं, तो इस आधार पर वोट नहीं मिलनी चाहिए, और क्या इस बार बदलेगी जनता उन्हें? बदल भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, क्या आप अम्बेडकर नगर विधानसभा से? बिल्कुल सभा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश जी, क्या आपके क्षेत्र में विकास काम हुए इन 10 सालों में? अभी आप देख लो ना, 10 साल से ये कुछ काम हो रहा है, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। हाँ। पार्क वगैरह और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क नाली, गटर उधर भरे हुए हैं, गंदा पानी आता बिल्कुल एकदम गंदा पानी, जो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं कुल लेके वगैरह, अस्पताल में कोई देख नहीं रहा, विराट के यहाँ अस्पताल खुला हुआ कोई नहीं है, कोई देखभाल नहीं हो रही है सर, बात यह है। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि विधायक जी द्वारा काम नहीं किए गए 10 साल में? यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो क्या इस बार जनता उन्हें बदल देगी, क्या करेंगे? अब देखो सर, ये तो मुझे नहीं पता कि बदलेगी नहीं बदलेगी, ये तो हमारे केजरीवाल सर वो देखेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं। आप यहाँ से क्या मैसेज देंगे आला कमान को? मैं ये कहता हूँ कि देखो, यहाँ का कोई भी जीते, लेकिन मेरा कहने का मतलब पानी साफ आए, ठीक है, टाइम पे टाइम पानी आए, लेकिन पानी टाइम पे नहीं आता, गटर में पानी भाई साहब लेटरिंग तक आ जाती है, एक ही टाइम पानी नहीं आता है, वो भी इतना गंदा, फिर उसके बाद फिर हम उसको बंद कर देते हैं मोटर को, फिर उसके बाद एक घंटे के बाद फिर चलाते हैं, फिर साफ पानी आता है, क्या करें सर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।